beautiful people, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. वैसे तो मेरा ये आज का वीडियो मेरे टू डू लिस्ट में ये वीडियो था ही नहीं, बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने जो मेरे लास्ट वीडियोस में जो कमेंट्स के जो बाढ़ आ गए तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे अपने टू डू लिस्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। बिकॉज आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, प्लस मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो मैंने दिया ही है क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का डाउट था कि आपको टाइटल समझ में आ रहा होगा कि टीनेजर्स का डाइट क्या होना चाहिए। सब लोग ने यही कमेंट किया था कि दी आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड क्या मैं आपका ये डाइट फॉलो कर सकती हूँ, एंड सम कमेंट्स वर लाइक कि आई एम 15 ईयर ओल्ड, आई एम 13 ईयर ओल्ड। तो अब मुझे पता चला कि मेरे चैनल में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे ये चीज़ पहले पता क्यों नहीं चली गई, आप लोग कहाँ थे। बच्चे लोग जहाँ पे भी होते हैं शोर शराबा करके हल्ला करके ये दिखाई देते कि हम लोग हैं, बट आप लोग अब तक कहाँ छुपे थे, आप लोगों ने ना कमेंट करा ना कुछ। चलो कोई नहीं, इस बार आपने बता दिया कि आप लोग भी हो, तो अब मैं आप लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियोस बनाया करूँगी, जैसे ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है फॉर यू टीनेजर्स। तो आप लोग आराम से अपना स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाइए क्योंकि दिस इज़ द लास्ट डे जब आप स्नैक्स ले रहे हैं। अब से आप 2 वीक्स के लिए कोई भी स्नैक और स्नैकिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं, स्नैक्स वगैरह नहीं लेने वाले हैं। तो अभी आप बैठ जाइए ये वीडियो देखने के लिए, जितने चॉकलेट्स खाने हैं अभी खा लीजिए। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आज मैंने खाया सो खाया, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला जो कल का दिन है तब से आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू डे विथ अ न्यू डाइट, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग की जब ग्रोइंग एज है आप लोग इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें। जो मैंने डाइट बताया है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है, मतलब बड़े बड़े उस डाइट को करने से कांप रहे हैं। बहुत कमेंट्स मुझे और मैसेजेस आ रहे हैं कि ये डाइट तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें रोटी ऐड करो कहीं या फिर रोटी का अल्टरनेटिव दो। अल्टरनेटिव वीडियो भी बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी डाइट पे, इसको थोड़ा सा मैं इजी कर दूँगी। जो लोग बहुत ही टेंस्ड हैं और कमेंट कर रहे हैं लाइक हम लोग रोटी के बिना कैसे सर्वाइव करेंगे वो भी 2 हफ्ता, तो गाइस चिल, मैं हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगी एंड आप लोग को बता दूँगी कि आप लोग कौन से अल्टरनेटिव आइडियाज़ यूज़ करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें। एंड वैसे तो मुझे वर्कआउट बनाना था बट कोई नहीं, अभी डाइट वाला आप लोग को क्लियर कर दे एंड आप डाइट को आराम से फॉलो करिए एंड आप अपना पूरा लाइक मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको वेट लॉस करना ही है। तो यस गाइस, और आप लोगों को मैं बता दूँ तो 17 ईयर ओल्ड टीनेजर्स जो भी हैं आप लोग उस 10 kg इन 2 वीक्स वाला आप लोग मत फॉलो करना, आप लोगों का ग्रोइंग एज है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना की ज़रूरत है। तो अभी आप लोगों को जो डाइट फॉलो करना है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा सा मैंने प्यारा सा क्यूट सा आप लोगों की तरह एक डाइट चार्ट प्लान किया है। अगेन मैंने अपनी डायरी में इसको लिख के रख लिया ताकि मुझे आप लोगों को बताने में ईजी हो जाए। सो यस, टीनेजर्स होते हैं उन लोगों में बहुत एनर्जी होता है, बहुत एनर्जी होता है। अगर आप लोग चाहे तो बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा वेट लॉस करने में, बट जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि बच्चे लोग मोस्टली सराउंडेड रहते हैं चॉकलेट्स, चिप्स, मैगी, पिज़्ज़ा एंड ऑल। और सबसे पहले तो आप अपने जो भी अपने सराउंडिंग में चॉकलेट्स वगैरह जो पड़े हैं ना, आप जाके अपनी मम्मी को दे दीजिए और बोलिए कि मम्मा इसको कहीं पर लॉक करके रख दो ताकि मुझे नज़र ना आए। ठीक है, आपको नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर 2 हफ्ते में कभी भी आपको नज़र आ जाता आपकी आपका ईमान डगमगा जाएगा, तो आप गए, आपका डाइट वहीं ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि मैं फॉर श्योर बता रही हूँ आपका ईमान डगमगाएगा ज़रूर, आपका ज़रूर माइंड डाइवर्ट होगा चॉकलेट्स को देख के, तो प्लीज़ आप उसको हाइड करिए, आप कहीं पे जाके आप ही आप मत हाइड करिए, मम्मा को दीजिए या फिर डैडी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, भाई बहन को दीजिए। ये वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ये नोट है कि अपने घर के सारे स्नैक्स, चॉकलेट एंड मैगी का पैकेट सब छुपा दीजिए,
ठीक है। वो सबसे पहले अपना BMR कैलकुलेट करना है, गूगल करिए, ठीक है। आप अपना हाइट, वेट, एज सब फिल कर दीजिए एंड देन आपका BMR निकलेगा। BMR जितना भी होता है उससे आपको 500 कैलोरीज ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो मैं डाइट बता रही हूँ वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया हुआ है, जो कि आपके बॉडी, आप टीनेजर्स के बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, सारा कैलोरीज है उसमें। 2800 कैलोरीज चाहिए होती है टीनेजर्स बॉयज़ को, और टीनेजर्स गर्ल्स को चाहिए होती है 2200 कैलोरीज। तो ये पर डे कैलोरीज है जो आप लोगों को लेनी ही है। सो इस हिसाब से मैंने डाइट प्लान बनाया है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए और आप लोग का ज़रूर गारंटेड ये आप लोगों का रिज़ल्ट 2 वीक में आएगा। सो स्टे मोटिवेटेड एंड ये वीडियो को स्टार्ट करो एंड इस डाइट को स्टार्ट करो। कॉपी पेन लेके रख लो हाथ में एंड जो मैं डाइट बता रही हूँ सब कुछ लिख लो, ताकि आपको याद रहे, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड कैलोरी के हिसाब से मैंने रखा है। एंड गाइस बहुत मेहनत करी है मैंने, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, तब जाके आप ये डाइट को स्टार्ट करना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ये डाइट फॉलो करना है। बहुत ही ईजी सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाइट है। प्लस आप लोग ये सुन लीजिए कि वर्कआउट जो है, मैं वर्कआउट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी। कभी मैंने चार्ट बना के ऑलरेडी प्रिपेयर किया, उसका भी मैं बना दूंगी। कमेंट करके बता देना कि आप लोग को अलग से वर्कआउट चाहिए, तो मैं अलग आप लोग के लिए एक कैटेगरी ही बना दूंगी, फॉर टीनेजर्स, वर्कआउट फॉर टीनेजर्स। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में एज सून एज यू वेक अप गाइज, सबका फंडा, सबका गर्म पानी से बिगनिंग होता है, वो आपका भी वही रहेगा। आप मॉर्निंग में उठेंगे एंड देन आपका मॉर्निंग की स्टार्टिंग होगी वार्म वाटर से। आप वार्म वाटर लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा नींबू को स्क्वीज़ कर दो एंड देन आप उसको ड्रिंक कर लो, ओके। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, नींबू अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप एक चम्मच, छोटा सा टेबल स्पून जो होता है वो हल्दी का डालिए एंड आप उसको ड्रिंक कर लीजिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो ये गर्म पानी का ग्लास 2 पीना है, एक ग्लास जिसमें आप नींबू या हल्दी डालेंगे, एक ग्लास जो नॉर्मल पानी होगा, ठीक है। अगर आपके पेट में और भी स्पेस है तो आप एक और ग्लास पी लेंगे, तो वो वेल एंड गुड होगा। बाद आपको स्टार्ट करना है वर्कआउट। वार्म वाटर लेने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट वर्कआउट पे जाना है। आप टीनेजर हो इसीलिए आपको 1 आवर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आते 8 बजे आपने गर्म पानी पी के एक्सरसाइज किया एंड देन आपने 9 से 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आपको वर्कआउट के बाद एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस प्लेट होना चाहिए, जिसमें आपको फुल फील हो जिसको खा के, और आपको लगे कि आपने कुछ खाया है और वो हेल्दी भी हो। तो उसके लिए आपके लिए है पोहा। तो पोहा सबको बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है पोहा। तो आप पोहा मम्मा को बोलिए कि बना दे आपके लिए एंड पोहे में आप वेजीज जितना भी हो सकता है उतना डलवाइए, रेड कैप्सिकम एंड जो भी वेजिटेबल्स होते हैं आप डलवा दीजिए। पोटैटो, आलू नहीं यूज़ करना है आपको, ठीक है, कोई भी ग्रीन वेजीज आप यूज़ कर सकते हैं, बट आलू मत करना। एंड देन आपको एक प्लेट पोहा लेना है एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेना है आपको, ठीक है। इनकी जो कैलोरी काउंट है वो भी मैं बता देती हूँ। 1 प्लेट पोहे में 180 कैलोरीज होती है और 1 ग्लास मिल्क में 80 कैलोरीज होता है गाइस। तो यहाँ पे आपने बहुत कम कैलोरी अभी बिगनिंग किया है, तो अभी पूरा दिन बाकी है, टेंशन नॉट। तो आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद 10 से 11 बजे जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद आप लोग के डाइट में भी 1 आवर का गैप रहेगा, कंटिन्यू खाना है। तो 1 आवर के गैप के बाद 12 से 1 बजे जब दोपहर होगा, तो उस टाइम पे 1 कप दही का लेना है, 1 कप दाल का लेना है, 1 प्लेट भर के सब्जी लेनी है और 2 रोटी लेना है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कप 2 हैं, नंबर ऑफ प्लेट 1 है। 1 प्लेट में आपको 2 रोटी और सब्जी भर लेनी है। 1 कप है जिसमें दही है, 1 कप है जिसमें दाल है। तो यहाँ पे आपको ये सारा कंज्यूम कर लेना है एंड मेक श्योर कि आप कुछ भी खा रहे हो, खाना खाते वक्त आप टीवी ना देखें या मोबाइल ना यूज़ करें, क्योंकि जब भी हम
खाना खाते वक्त मोबाइल या टीवी देखते हैं तो अपने लिमिट से ज़्यादा ही खा लेते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि पेरेंट्स हमें बहुत वैसे ही मना करते हैं, टीवी मत देखो, ओवर ईट कर लेते हैं। जहाँ हमें आधा प्लेट खाना होता है, हम एक पूरा प्लेट खा जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक पूरा प्लेट खा लिया है। तो डेट्स द रीज़न कि खाना खाते वक्त आप लोग टीवी या मोबाइल ना यूज़ करें अभी 2 हफ्ते के लिए। गाइस डोंट वरी, मैं आप लोग के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हूँ। आप लोग खाना खाते वक्त टीवी देखिए ज़रूर, बट 2 हफ्ते जब आपको डाइट करना है तब ट्राई टू अवॉइड दिस। ओके, सो ये दोपहर का था। एंड देन उसके बाद लंच होने के बाद 3 से 4 बजे का टाइम आप लोग को ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ खाना है, चॉकलेट खाना है, तो ये वो एंड ऑल। तो आप लोगों को वो सब नहीं खाना है, चॉकलेट खाने का मन करेगा, स्वीट्स खाने का मन करेगा, तो उसकी जगह आपको फ्रूट्स ले लेने हैं और फ्रूट्स खाना है। आप जितना भी खा लो फ्रूट्स आपके लिए गुड, अच्छा है, ठीक है। हाँ, फ्रूट्स लेंगे आप और ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो ये ध्यान रखना, और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ना ले, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। मुझे भी नहीं पता था, एक दिन मैंने, मेरा फास्ट था और मैंने भर के ड्राई फ्रूट्स खा लिए ये सोच के कि मेरा तो फास्ट है, मैं तो कुछ खा नहीं रही हूँ। एंड देन एंड ऑफ द डे मैंने 1 kg गेन कर लिया है। एंड आई वाज लाइक कैसे पॉसिबल है ये, कुछ खाए बिना ड्राई फ्रूट्स खा के। सो गाइस, ड्राई फ्रूट्स में बहुत कैलोरीज होता है, सो प्लीज़ ध्यान से खाना, उसको भर के मत ले लेना। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आगे में क्लिप लगाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कितना आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, ठीक है। जैसे इवनिंग होगा मन डगमगाएगा, मन करेगा कि हम कुकीज़ खाएं, चॉकलेट्स खाएं, कॉफ़ी जिनको पीने का मन करता है या चाय पीने का मन करता है, उनको मन करेगा कि हम कॉफ़ी चाय पिए। नहीं पीना है, जंक अवॉइड करना है इवनिंग के टाइम में। और बट आप लोगों को जो हैबिट है ना कि हाँ कॉफ़ी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये सब का मन कर रहा है, तो उसको अवॉइड करके आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेड, वाइट ब्रेड ले लीजिए, या ब्राउन ब्रेड है तो वो भी वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो डोंट वरी, वाइट ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए कोई ख़राब नहीं है। मैं भी खाती हूँ वाइट ब्रेड, ठीक है। तो वाइट ब्रेड लीजिए, एंड वाइट ब्रेड आप लेंगे 2 वाइट ब्रेड लीजिए, 2 वाइट ब्रेड रहेगा आपका, और नॉर्मल रहेगा बिना टोस्टेड, एंड उसमें आप लगाएंगे पीनट बटर। यस, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पीनट बटर, इसलिए क्योंकि जैम लगाते हैं ना, तो जैम इज़ नॉट हेल्दी, तो आप उसकी जगह लेंगे पीनट बटर। पीनट बटर को लगाए अपने, बट याद रखना पीनट बटर में बहुत कैलोरीज होती हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको 2 स्पून पीनट बटर यूज़ करना है, 1 ब्रेड में 1 स्पून एंड दूसरे ब्रेड में 2 स्पून, दैट्स इट। भर के मत लेने लें ये सोच के कि मुझे सिर्फ 2 ही स्पून लेना है, तो 1 स्पून में 4 स्पून के बराबर भर ले, ठीक है, ऐसे मत कर लेना, ठीक है, हिसाब से लेना जितना आए उसमें। ओके, तो अब आता है, ये तो हो गया जंक फूड का टाइम जो था, जब आपको मन किया कोई एक्स्ट्रा खाने का। एंड देन रात का जो टाइम है, डिनर का टाइम, आप लोगों से मैं वही सेम बात कहूँगी कि रात को 7 बजे से पहले आप सब कुछ खा के ख़त्म कर लीजिए जो खाना है, उसके बाद बिल्कुल सोचना भी मत कि मुझे कुछ खाना है, ठीक है। उसके बाद चुपचाप बुक लेके पढ़ाई करने बैठ जाना, एंड देन उसके बाद सो जाना, क्योंकि बुक लेके बैठोगे अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। तो डिनर में आपको क्या खाना है वो बताती हूँ मैं। डिनर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और आजकल के टाइम में कौन जल्दी सोता है, सब 12-1 बजे तक जग ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसा डाइट है 7 बजे का कि आपको बहुत लंबे टाइम तक आप जब भी जगोगे ना, आपका पेट फुल रहेगा। इसका डाइट रहेगा डिनर का, 1 प्लेट वेजिटेबल, जो भी सब्जी मम्मा ने बनाई है आपको वो भर के लेना है, भर के एक प्लेट में पूरा, ठीक है। एंड देन 2 रोटी 2 चपाती, बस 2 लेना है, ठीक है। एंड देन 1 प्लेट अलग से रहेगा सैलड। सैलड में आप क्या लेंगे बता देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। कुकुम्बर प्रेजेंट है, कैप्सिकम, अनियन, ये सब को कट करिए, एंड देन लेमन को स्क्वीज़ करके उसमें थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको यूज़ करिए। अगर आपको नमक अल्टरनेटिव चाहिए तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सब जो होता है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। 1 प्लेट सैलड रहेगा, 1 प्लेट भर के सब्जी, 2 रोटी और 1 ग्लास मिल्क अगेन, ठीक है। तो मिल्क यहाँ पे आपने दिन में 2 बार लिया है, 1 मॉर्निंग में एंड देन एट नाइट में। तो नाइट में मिल्क लेना बहुत कंपलसरी होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है। कैसे खाना है रात का खाना मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है सैलड से, ठीक है, आपको सैलड लेना है पहले, सैलड आप खाइए, एंड देन उसके बाद वेजिटेबल्स खाइए, रोटी पे बाद में जाना, ठीक है।
सैलड एंड वेजिटेबल्स पहले स्टार्ट करना, एंड उसके बाद जब आधा फिनिश होने लगे तब आप रोटी पे जाइए, तब रोटी और सब्जी साथ में खाना, एंड देन उसके बाद आप एक बॉटल पानी भी साथ में रखना, उस पानी को आप पीते रहना, आधा बॉटल पानी खाने के साथ ख़त्म कर लेना, ठीक है, ताकि आपका जो पेट है वो पानी से और सैलड और वेजिटेबल से ही भर जाए, रोटी के लिए स्पेस कम बचे, ठीक है। तो उसके बाद आपके लिए जो भी स्पेस बचा होगा आप उसमें उतने में रोटी खाएंगे, ऑफ कोर्स बहुत कम स्पेस बचेगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पेट को ऐसे कर देता है, तो इसीलिए आपके लिए रोटी के लिए बहुत कम जगह बचेगी। तो आपको ये खुद करना पड़ेगा, ठीक है, अपने लिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो, ठीक है गाइज, तो ये ट्रिक है, आप लोग ये ट्राई करना। इस तरह से आपका पूरे दिन का जो डाइट प्लान है वो मेंटेन हो जाएगा, और जो भी आपने खाया है बहुत ही हेल्दी खाया है, उसमें कोई भी शुगर या फिर आर्टिफिशियल शुगर नहीं है या फिर सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। आप बहुत एक्टिव होते हैं गाइस, आप टीनेजर्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहेगा, पूरे दिन में आपको वाटर कंजप्शन बहुत करना है। नोट, यहाँ पे मैं नोट बता रही हूँ कि आपको एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना है, एंड जो भी बताया है वो आपको कंप्लीट लेना है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैलोरीज टीनेजर्स में जो रिक्वायर्ड होती हैं मैंने सब काउंट करके ये डाइट बनाया है, तो मेक श्योर आप कुछ भी स्किप ना करें, ये सोचिए कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं और भी ज़्यादा पतली हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो ऐसा मत सोचना, आप वीक हो जाएंगे उल्टा, ठीक है। दूसरा नोट ये कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो मेक श्योर अगर आपके पेरेंट्स मम्मा पापा अलाउ नहीं करते हैं आपको डाइट करने के लिए, लाइक कोई भी पेरेंट्स नहीं करेंगे इतने छोटे एज में कि आप डाइट करो, वो लोग यही बोलते हैं आप खाओ 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 सब कुछ खाओ, ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आपको स्ट्रिक्टली डाइट करना है तो मम्मा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि आप डाइट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ मम्मी को पता चला कि आप डाइट कर रहे हो वहाँ उसी दिन आपका फेवरेट खाना बन जाना है, मैं ये लिख के दे रही हूँ, तो ऐसे गलती मत करना, अगर पता चल गया तो फिर आपका फेवरेट खाना बन जाएगा और उसी दिन आपका डाइट शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। आपको गुलाब जामुन पसंद है तो वही बन जाएगा, जो आप इतने दिन से भी बोलते आओगे ना कि मुझे ये खाना ये खाना, मम्मी नहीं बना रही होगी, बट आप जहाँ बोल दोगे मुझे मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो उसी दिन बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों के घर में आप बहुत दिन से कुछ डिमांड कर रहे हो लाइक मुझे पिज़्ज़ा खाना है और नहीं बन रहा है, तब आप ये ट्रिक ट्राई करो कि मुझे डाइटिंग करना है, तो उस दिन बन जाएगा डायरेक्टली बिना कुछ डिमांड किए, ठीक है। वैसे तो ये आपको डाइट करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो मिसयूज़ मत करना। तो चलो, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स भी बता दिए हैं जो कि आप लोगों को लिख के रख लेने हैं डायरी में कि आपको कैसे कैसे क्या क्या खाना है, सब कुछ आप नोट कर लीजिए, मेरे वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपको क्या कब खाना है, आप भूलना मत। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। डाइट ट्रिक बिल्कुल नहीं है, बट आप लोगों को राइस इसमें कहीं भी मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये 2 वीक का ही डाइट चैलेंज है, आप लोग 2 वीक का ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए, 14 दिन की बात है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आफ्टर 14 डेज, ये सोचो रिजल्ट कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा, आप अपने ओल्ड जीन्स में फिट आ जाओगे, अपने क्लोथ्स में लूज आओगे, तो वो कितनी अच्छी फीलिंग होगी, तो वो सोच के आप ये स्टार्ट करिए। और मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, मेरे वीडियो नीचे कमेंट करिए या इंस्टाग्राम में मुझे DM करिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ गाइस। तो आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता है kanchanrai-1, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे जाके, एंड यस गाइस ये डाइट आप फॉलो करना, 2 वीक्स में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा आप लोग का, बहुत हद तक 2 वीक्स में आप 5 to 10 kg रिड्यूस कर लेंगे। अगर आप लोग इस डाइट को फॉलो करने वाले हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख दीजिए कि हम लोग ये डाइट फॉलो करने वाले हैं, एंड इंस्टाग्राम में रिजल्ट आएगा तो अपने प्रोग्रेस को शेयर करना एंड मुझे टैग कर देना ताकि हम सब साथ मिलके सेलिब्रेट करें एंड मोटिवेट भी कर सके और भी लोगों को शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।